तो अभी हम है छतरपुर मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में। आज यहाँ बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दरबार लग रहा है। तो चलिए शास्त्री जी अपने दरबार को कैसे संबोधित करते हैं जानते हैं, और आप सभी कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें। आज के बाद तुम हमसे मत जुड़ो, किससे जुड़ो जोर से बोलो ना। जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है, पक्का पक्का जोश में कि होश में, हमेशा के लिए जाओ। अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। तुम महीने में एक बार, दो महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। एक बात और याद रखना, कल भी हमने बोला था, ऐसे जल्दी तो नहीं है तुम्हें, कौन सा तुम्हें रोटी है बनाना है? अब बनी बनाई खाओ, अब तो ट्रेन ही चली गई, अब क्या टेंशन है, अब तो बैठो। हाँ तो बैठो, सुनो पागलो, चित्र से कल्याण नहीं होना है, बालाजी के चरित्र से कल्याण होना है। चित्र से चमत्कार होता होता तो फोटो बनाने वाला बहुत अमीर होता, चित्र से चमत्कार होता तो प्रिंटिंग मशीन को चलाने वाला पहले ही पूरा चमत्कार घर पे रख लेता, तुम्हारे पास ही नहीं आने देता। इसलिए याद रखो, चित्र से नहीं बालाजी के चरित्र से चमत्कार होना है। और धन्य है वीर बजरंगबली, कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ साधन कम है, जगह कम है, साधना बहुत ज्यादा है। स्वरूप बड़ा तेज है, जो आते हैं रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अद्भुत झांकी है, 12 साल से तो हम दरबार में बैठ रहे, 40 साल हमारे दादाजी बैठते रहे, सन्यासी बाबा बैठते रहे। तीनों पीढ़ियों में हमने एक ही बात निकाली है आज तक, खाली झोली लेकर के आए हो, यहाँ से झोली भर कर लेकर गए हैं। जाओ तुम भी भर कर लेकर के ही जाओगे। तुम नारियल बांधो, परिक्रमा लगा लो, पेशी करना प्रारंभ कर दो, और पर्चा भी एक ना एक दिन तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि आए तो तुम पर्चे के चक्कर में हो। वो भी बनेंगे, करना ही क्या है, बाद में गया, बन जाएगा यार। हमारा जो होना होगा सो होगा, तुम्हारा भला हो जाए। और ऐसा दरबार जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, एक ऐसा दरबार जहाँ की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 8 मार्च 2024 को कौन कौन आ रहा महाशिवरात्रि को? पक्का पक्का आ जाओ, 151 बेटियों का विवाह है उस दिन। तुम कहां छिपे रहे अंकल जी है? रात की 1 बजे से हैं ते? खैर हम तो 12 साल से यहाँ हैं, कोई नई बात थोड़ी है, हमको तुम्हारे इंतजार में 12 साल से हैं यार। तुम आ जाए हो, बहुत देर कर दी यार, 11 साल पीछे आए तुम तो, कल ही आए ना 1 बजे रात से बैठे, बताओ हम 12 साल से तुम्हारे पेट में थे, आज मिले सजना। रात के 3 बजे तुम ही नहीं जगाओ तो हमें, हम समझ गए खुरापाती तुम ही हो, जब तो तुम्हारा इंतजार करते रहे। चलो दरबार लगाए हैं, जो शुरू करते हैं।
कल भी दरबार लगेगा। हाँ बेटा खा लो प्राण, हड्डियां भर बची बेटा बेई खा लो। बोलो बोल। हाँ सीताराम बेटा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें।